ज मी एंड दिस इज माई न्यू पेंटिंग आई एम प्रचिति गुलेचा एंड टूडे आई हैव पेंटेड पिक्चर ऑफ पेंटिंग ऑफ अ कार सो ये मैंने पेंट की थी एक्रेलिक कलर से एंड uh, मैंने ऐसा ट्राई किया इसमें दिखाने का जैसे uh, ये कार uh, बादलों के बीच में एकदम जैसे सीनरी रहती है उसके बीच में मैंने ये जैसे पहले टाइम पे ऐसी कार्स आती थी ऐसे पैटर्न में तो वैसी मैंने पेंट करने की ट्राई की है एंड दिस इज दे आई मेड द स्केच ऑफ दिस वन देन आई कलर्ड दिस एंड आई पेंट आई नॉट आई नॉट डिटेल दिस पेंटिंग दैट मच इसमें मैंने बस uh, एक ट्री बनाया है एंड ऐसा दिखाया है कि उसके लीव्स उड़ रहे हैं ऐसे लाइक like दैट जैसे विंड होती है तो उड़ते हैं एंड देन आई हैव पेंटेड दिस कार सो दिस इज अट कार लाइक इन प्रीवियस टाइम्स लाइक दिस पैटर्न वाज कमिंग इन द कार्स एंड देन इट इज ये खड़ी है एक ऐसे ग्रास पे ग्रास टाइप ऑफ जो भी लैंड बोलते हैं लैंड पे बहुत ग्रास है एंड वो उस पे खड़ी है सो so, एंड इसमें कुछ फ्लावर्स बनाए मैंने व्हाइट कलर के बिकॉज वो अच्छे दिख रहे हैं ग्रीन और वाइट ऐसा कॉम्बिनेशन करना था मुझे इसलिए एंड uh, इसमें मैंने रेड कार बनाई थी सो आई ऑल द एक्रिलिक कलर्स इन दिस द फेविक्रिल वंस जो आते हैं ना उनसे किया था मैंने वो सिक्स के पैकेट वाले एंड uh, सिर्फ उन्हीं सिक्स कलर्स से ये पूरी पेंटिंग बन गई फ्राम ओनली डैट सिक्स कलर्स उसमें बस सिक्स कलर्स आते हैं ग्रीन रेड येलो वाइट ब्लू एंड ब्लैक जस्ट बी सिक्स और इससे इतनी अच्छी पेंटिंग बन गई मेरी सो इफ यू हैव दैट वन ये बहुत अच्छा है इसके लिए आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो नॉट ओनली फेविक्रिल बट मेरी मम्मा भी उनके आ, मतलब उसके कलर्स यूज करती थी तो और मैं भी करती थी सो आई लाइक दैट वन सो उससे मैंने किया था उसमें यहाँ पे मैंने रेड कलर किया था एंड देन आई हैव डन द शेडिंग हियर ऑफ ग्रे एंड ब्लैक एंड हियर आई हैव जस्ट ट्राइड टू डू द शेडिंग ऑफ ग्रे एंड वाइट इसमें मुझे वाइट कलर ज्यादा दिखाना था। ये जो लाइंस आप देख रहे हैं देन दीज आर देडलाइट सो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर किया है एंड देन जस्ट उसको ऐसे कर्व लाइन बनाई है सो दैट इट कैन लुक लाइक इट्स शाइनिंग एंड देन ही फॉर रिफ्लेक्शन आईव यूज व्हाइट सो दिन द इनसाइड कलर मैंने उसमें ब्लैक किया था और ब्लैक और रेड किया था और ऐसा रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए मैंने सिर्फ उस पर थोड़ा ऐसे जैसे विंडो का दिखाते हैं ना व्हाइट कलर कर दिया है एंड ये वो जो दो डोर्स दो दो रहते हैं जहाँ से हम बाहर निकलते हैं तो उसके लिए यहाँ बीच में मैंने एक वाइट लाइन की है जिसको मैंने बाद में रेड के साथ शेडिंग करके मिक्स कर दिया था सो so, इस वाली पेंटिंग में शेडिंग बहुत जरूरी है नहीं तो वो इतना रियलिस्टिक लगेगा ही नहीं एंड देन यहाँ पे मैंने ग्रास ऐसे बनाई है सो देट ऐसा लगा कि ये ग्रास पे खड़ी है ग्रास पे ही खड़ी है एंड ये कार एंड देन मैंने बस थोड़े से पेटल्स बनाए हैं वाइट कलर के वाइट फ्लावर के लिए एंड बस फोर वाइट फ्लावर्स बना के यहाँ पे थोड़े मैंने क्लाउड्स बनाने का ट्राई किया है बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम क्लाउड्स ऐसे बनाई हूँ तो फिर um, वो इतने फिनिश के साथ इतने परफेक्ट नहीं बने हैं बट आई ट्राई टू तो मेक इट सो so, यहाँ पर मैंने क्लाउड्स बनाने का ट्राई किया है एंड ही जस्ट पेंटेड वन ट्री ये मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं एक ट्री भी बनाऊंगी बट एट लास्ट मोमेंट मैंने सोचा कि ट्री भी अच्छा लगेगा इस पूरे सीन के साथ तो फिर मैंने ट्री बना दिया एंड द लीव्स ऑफ इट आर जस्ट फ्लोइंग इन द विंड सो ये पूरी मेरी पेंटिंग फिर बन गई एंड मैंने बहुत लाइट कलर्स यूज किए थे स्काई में स्काई में क्या हुआ एक्चुअली मैंने पूरे जो सरफेस था उस पर मैंने फर्स्टली पानी ब्रश से ऐसे 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 पूरे उस पर अच्छे से कोट कर दिया एंड देन मैंने छोटे uh, छोटे मैं ऐसे ड्रॉप्स डालते गई डार्क ब्लू कलर का एंड देन आई मिक्सड इट विद द वॉटर दैट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द कैनवास शीट एंड देन मैंने उसको मिक्स किया सो so ऐसा लाइट सा वाइट एकदम लाइट ब्लू टेक्सचर आया उसका और वो मतलब कलर आया उसका और वो बहुत अच्छा दिख रहा था एंड फिर मैंने क्लाउड्स बना लिए सो दैट्स ऑल आई पेंटेड टूडे एंड आई विल पोस्ट माई Uh, more paintings also. So, for more new paintings and more new creativity, just subscribe my channel Prachiti's Creations. Till that, bye bye. And if you like it, share also and like my video. Subscribe, and I will meet you in the next video. Bye.